तुमको मेरी प्रणाम, नमस्कार सुरगीय में ओ बाबुल पाती। नमस्कार सुरगी मेरे बाबुल पाती राम, ए बाबुल पाती राम, शारदा बन जाज दहाइनी, जनवाधार के पास में आ जा मैया सिंधु बहनी, दुष्टन को बन गई ओ जननी, दसने को तो डहाइनी, और आज तुझे मैं फिल्म में आकर डटना मात डहाइनी। तुझे पुकारो माँ, तुमने तुझे पुकारो दास को दिए सहारो, से कथा में कह रहे मरी की चोरी, राठौर कैसिट के माध्यम से कह रहे कथा है मरी की चोरी, सभी भय मात भगो है मोहन दोहर का भीष को चोरी को कलंक लगो है, मनमोहन दोहर का भीष को चोरी को कलंक लगो है, आदरणीय श्रोताओ, भ्राताओ, बच्चों, माताओं और बुजुर्गों, आप लोगों ने राठौर कैसेट के माध्यम से पहले भगवान कृष्ण के विवाह की कथा का श्रवण किया है, जिसमें भगवान ने विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। द्वारका में आनंद की वृष्टि हो रही है, और फिर आनंद भी क्यों नहीं होगा, जहां अग्निशन जैसे राजा, बलराम जैसे ठाकुर देख रेख करने वाले, भगवान कृष्ण जैसे मंत्री, स्वर्ग तो वहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं भाइयों, भगवान कन्हैया ज्यादा दिन सुख में नहीं रहे द्वारका। आप लोग सोचते होंगे आधार जी उनके ऊपर कौन सी मुसीबत टूटी, तो मैं आपको बताऊं, पूरी दोहरका के बीच बसो एक शत्राजित बलवान, उसी दोहरका में शत्राजित नाम का एक यादव था, अरे शत्राजित अब तंशु के यादव वंश सुनो चित लाई, जाने सूर्य की करी तपस्या रे के मन को रहो तो लगाई, आस
इस यादव ने भगवान भास्कर की उपासना करना शुरू कर दिया। और सूरज भय प्रसन्न, अरे भयो जो धन्य, अरे नपराई अरे बलदाई, इस मन तक मन एक दीनी है सूरज ने उसे गहाई, इस मन तक मन एक दीनी थी सूरज ने उसे गहाई। याद रखना, उसने भगवान भास्कर की उपासना करना शुरू कर दिया। क्या करता था वो मालूम है? सुबह स्नान करके हाथों में पुष्प लेकर के भगवान भास्कर की तरफ खड़ा हो जाता था, और जिस तरह से सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ आते थे उसी तरह वो मुड़ता हुआ पश्चिम तक खड़ा रहता था। भगवान सूर्य जब अस्त हो जाते थे वो शयन गृह में जाकर के शयन करता था, भोजन नहीं करता था। भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे यादव सत्राजित, हम तेरी नियम संयम भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले। सत्राजित कहने लगा, हे प्रभु भास्कर, आप अपनी इच्छा से मुझे दे दो। तो इस मंतक मणि जो है भगवान भास्कर ने सत्राजित को दी। वो मणि कैसी थी? उस मणि को मणि न कहकर के अगर कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? जब सत्राजित सुबह अर्घ देकर के मणि का पूजन करता था तो जानते हो, अरे पूजन को सुंदर टोना है बसे निगरे भाई सोना। सुवर्ण निकलता था, सोना निकलता था। और जानते हो, कनक कनक से सौ गुना मादकता अधिक है। और बा खाए बोरा तो बपाए बोरा। अरे घर में दौलत होना है तो माया में बनो खिलौना। याद रखना, अब तो घर में दौलत ही दौलत है। भैया रोज सुबह स्नान करके सोना निकलता था मणि से, लेकिन ये बताता किसी को नहीं था कि हमारे घर में मणि है, उससे स्नान करके जब हम उसकी पूजा करते हैं तो सोना निकलता है। वैसे अहिर लोग आपस में बातें तो करो करें कि भैया हम तुम दिनों रात लगे रहते, काम करत करत परेशान है, औरत को लहंगा बन जाए तो चुनरिया ना, चुनरिया बन जाए तो लहंगा ना। और जो सत्राजित नीनो टिनो पाल लगा टनाटन नेता बनो घूमत हुए कछु कामों करत ना, तो जाके घर को खर्च कैसे चलते। एक वही कहने लगो, भैया हमें तो जल लग रही कि दिन में तो नेता और रात में डकैती पेल तो। दूसरा अहिर कहने लगो, भैया अगर ये डकैती डालता तो राजवंश को खबर लगती। एक अहिर कहने लगो, और तो हम कछु नहीं जानत, इतनी हम जानते कि परों जाकी औरत हमारी औरत से मिल भी आई, और हमने जब निगाह करी तो पांच से लेकर चुटिया सोने ही सोने में मरी। लेकिन दोस्तों, ये किसी को नहीं मालूम कि सत्राजित के घर में मणि है, उससे सोना निकलता है। एक दिन सत्राजित के दिमाग में एक बात आई कि ऐसे किसी चीज का रखना बेकार है। मोर नचो, मोर नचो, मोर नचो, कहा नचो, जंगल में कोने देखो काउने ना, और घर की छत पर नचो सबने देखो। मेरे पास इस मंतक मणि है, भगवान कृष्ण के पास कौस्तु मणि है, हम मणि का प्रभाव भगवान कन्हैया को दिखाएंगे। और मणि को गले में डाल करके सत्राजित यादवों की सभा के लिए चला। अरे मणि गले में डाल रे के चली बहुत बलदाई, और प्रभु की
छबा तो एक खेत जब रही है अरनियारी। महाराज ध्यानूत सबको बढ़ गयो है और मणि को लखो प्रकाश आखिन में झमका लगियो है। जितने डटे थे सब यदुवंशी सबकी आंखें चमकी है। जितने डटे थे वह यदुवंशी सबकी आंखें झपकी है। आंखें झपकी है कि सबकी आंखें झपकी है। जितने डटे थे वहां यही लग सबकी आंखें। मणि में इतना प्रकाश था कि एक खेत की दूरी जब सत्रादित की रह गई तो जितने यादव सभा में बैठे थे सबकी आंखें झपक गई। एक अहीर भगवान कन्हैया से बोला, श्याम सुंदर। हां, करो निघाओ शोर सभा में शोर हो तू ए भारी। अरे जको न किया रही किरण उड़े सूरज की गति कर डारी। ये कैसी चमक है जो सूरज की गति भी मंद हो गई। और हाथों दिव्य प्रकाश अरे अरे अब खास सभा की भारी अरे कौन गति से चल रही है जा सुंदर सी उजियारी। कौन गति से बढ़ रही है जा सुंदर सी उजियारी। ये श्याम सुंदर ये किसकी रोशनी है। सोने श्याम गए मुसिकियाई है और नीचे निगाह झुकाई। हालांकि भगवान कन्हैया तो गर्दन झुका गए क्योंकि वो सब जानते थे। एक यादव कहने लगा, अरे भैया तुम ना जानते, आद पुरुष भगवान कन्हैया से मिलने को आज शक्ति आ रही। दूसरो अहीर कान लगो, चुप रे। भगवान यादवों के सूर जो कन्हैया हैं उनसे भगवान भास्कर मिलने आ रहे। तीसरो अहीर कान लगो, चुप रे। जी बात नहीं है, फण फण पे मड़ियां रखे हुए शेषी झट्टा दिखा रहे हैं और भगवान कन्हैया से मिलने को शेष नांग आ रहे। भगवान ने कहा, करो मोहन ने मोहनी माया में जब धीरे से मुस्करा दिया आधार कन्हैया की मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। आधार कन्हैया की मुस्की ने उस मन को जुगनू बना दिया। आधार कन्हैया की मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। भगवान कन्हैया जो मुस्कराने मर जुगनू बन गई। भरी सभा में आके छाती को तान के जवान बैठ गयो। अहीरों की बुद्धि तो जानती हो। अब एक यादव दूसरे यादव के कान में बोलो, भैया जब मर जा की जरूर है लेकिन जब शोभा ना देती। अब तो दूसरा अहीर बोलो, क्या बोला, कौआ की चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर। हाँ, तीसरो यादव मोटी खोपड़ी को रहसो एकदम खड़े होकर बोलो, धीरे धीरे क्यों कह रहे हो, खुले शब्दों में क्यों नहीं कहते गए, इस मर इसकी जरूर है लेकिन इसको शोभा नहीं देती। राजा के सामने रही है तो भी प्रस्ता का ताना दे रही है। हे भगवान कन्हैया जब मर तो तुम्हारे लायक है। बाने खुल के कह दे, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, किसी की वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं। किसी ने मेहनत करके कोई चीज लई है उसे हम राजा के नाते ले लें, ये अच्छी बात तो नहीं है। और फिर
मेरा तो इष्ट चंद्रमा है जन सूरज से मन पाई। अरे मेरा क्या अधिकार है गले में अरे छिनाई। महाराज का एक व्याकुल हो सरदार, राजा के नाते देवे तो हम लेने को तैयार। अब तो सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है, यारो सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है, भैया सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर ये राजा के नाते हमको मरी देना चाहे तो दे दे, और न देना चाहे तो अपनी रखे। भगवान ने इतना इशारा कर दिया, सत्रह जित समझियो के जब करियो के मुंह में पानी भरे आओ। समय का फेर देख करके सत्रह जित उठा, घर गया, अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल दी और कहने लगा, भैया जब मणि को जरा होशियार रखना, यादवों की निगाह इस पर गलत हो गई। और की क्या कहें, भगवान कन्हैया की निगाह गलत हो गई। प्रसेन गर्म खून का था, कहने लगा, बाव भाई बाव, कन्हैया के बाप की जा में लागत तो नहीं लगी, और वो तो तुम थे जो आहिरों की सभा में से उठाए। मैं ऐसा जवाब देता कुन आहिरों के ओठों पर जवाब नहीं आता। और क्या बोला प्रसेन, बोला प्रसेन उसके मुंह में, बोला प्रसेन उसके मुंह में क्षण क्षण में पानी भरता है, क्षण क्षण में पानी भरता है, मानो भौजी की थैली पर ओरा दे हाँ, ओरा दे हाँ, ओरा दे हाँ, मानो भौजी की थैली पर देवर सराफी करता है, देवर सराफी करता है। भाई बाव, भौजी की थैलिया देवर को मिल गई तो शराफ बन गया, और ये बात बिल्कुल सही है। आजकल के देवर और आजकल की भाभियां भी ऐसी हैं, अपने सारे अधिकार देवर को दे दें तो देवर तो फिर सरताज बन जाता है। मैं रखता हूं हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, हे कई करारे उत्तर में उत्तर न जवाब पर आएगा, उत्तर न जवाब पर आएगा। चिंता मत करो, मैं मणि को रखता हूं, अब भगवान कन्हैया की दम है तो हमसे मांगे। इतना कहकर के मेरे दोस्तों प्रसेन जो है ना सत्रह जी तो अंदर चला गया, और प्रसेन ने वो मणि गले में डाल दी, इस मंत्रक मणि। और क्या किया, खेलन चलो शिकार, अरे अश्व पे सवार सुनो चिंदलारी, जन कमर में तलवार भैया लइए अरे लटकाई। घोड़ा पर सवार होकर के प्रसेन शिकार के लिए चला। जंगल में
पहुंचो जाई, सुनो चितलाई सिंह गवाई, सिंह गवाई। प्रसेनन दाती पीस के अर तलवार तो दादा चलाई, प्रसेनन दाती पीस के जब तलवार तो दादा चलाई। आज प्रसेन जब जंगल में पहुंचा तो घोड़ा को लिए जा रहा है, उधर से एक शेर आ रहा है। प्रसेन ने तलवार खींची और जो शेर पर चलाई तो क्या हुआ, अरे जब शेर तो धर गुंदकारो, अरे जब शेर तो धर गुंदकारो, और जन जवान पे झपट्टा मारो। प्रसेन पे मर्द सुन ले वरज हमार, ये तो प्रसेन घोड़ा से उतरो, दोनों में वजन लगी है तलवार। प्रसेन रेत के सिंग को जावे के शेर तो रेत के इधर ले जा, जंगल में के नहीं कोई झगड़ा सको मिटाए। धर के थप्पड़ के सिंह ने मारो, धरती पे जान गिरो तो डगराए। शेरू बैठी आओ तोरे छाती पे, सारे मोह को लाओ है जवाई। शेर ने चाहिए दहार, अरे पंजा मारी पेट में दो है के दो प्रसेन को कलेजो भार। ये प्रसेन जंगल में मरियो है धीरे धीरे, आधार को होश बिगड़ियो है धीरे धीरे। मर गया प्रसेन शेर के द्वारा, पेट फाड़ दिया शेर ने, हाय हाय। मरी गले में से निकाल ली वह शेर ने और मुंह में दबा के चला। चलो है मणि को मुंह में दाब के चलो है, ये आगे को नाहर बढ़ियो है धीरे धीरे। प्रसेन को मार दिया और शेर आगे को बढ़ा। आप लोगों ने नाम सुना होगा त्रेता युग में जो राम की सेना में जामवंत थे ना, उन्हें जामवंत की गुफा से होकर के शेर निकला। इधर जामवंत गुफा में से निकले, जो शेर पर निगाह जामवंत की पड़ी तो जामवंत सोचने लगे, सोच रहे ऋक्षराज सिंह जे आज मरी कहां से लाओ। अरे मौत के चक्कर में फंस के मेरे गुफा के समोए आओ। मालूम पड़ता है सूरन के ताज सिंह बुलाओ, सिंह बुलाओ, और जाम
बंत पे झपटो है कैर समय अब वो आओ, जाम बंत पे झपटो है कैर समय ना हर आओ। याद रखना, जामबंत सोचने लगे जा शेर के मुंह में मणि कहां से आ गई, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जाकी मौत लाई है मेरी गुफा के सामने। धर के ललकार दिए, खड़ा हो जा। शेर ने जो जामबंत को देखा तो गुर्राया। जामबंत भी होश में हो गए, झपटे हैं रुक्षराज शेर से भिड़ गए, लेकिन बाजी बा खिलाड़ी दोनों हैं। अपने अपनी हिम्मत में, हालांकि दोनों मजबूत भी हैं खिलाड़ी भी हैं, एक से एक के दाव हुए, हिम्मत में दोनों घटे नहीं। उठी आई अखाड़े की मिट्टी पर ऋक्षराज ना हर हटे नहीं। अपनी ताकत में ही नान एक बल धाम हुआ, आधार कसम से कह रहे हैं ये चार घड़ी संग्राम हुआ। अभी नहीं चार घड़ी, और अंत में क्या हुआ? अरे जाम बंत ने नाहर को कर क्रोध तो जबी पछाड़ा है, और पैर पकड़ के नाहर के धरती पे पटका मारा है। पैर पकड़ के मार दिया, मणि को लेकर के जामबंत गुफा के अंदर चले गए। ध्यान रखना दोस्तों, मणि तीसरी जगह पहुंच गई। इधर जब 15 दिन हो गए प्रसन्न लौट के नहीं आया, हाय हाय घर में रोआ पीटना मच गया। और जामबंत तो मणि को लेके गुफा में घुस गए, लेकिन सत्राजित को संदेह हो गया कि मर के लालच में भगवान कन्हैया ने हमारे भैया प्रसेन को कत्ल लग गई चोरी भगवान को। याद रखना भैया, इधर प्रसेन की दुल्हन आंगन में बैठी हुई बुरी तरह बिलखने लगी। कैसे बिलख रही है? रोई सुद आई आई सुद आई आई पिया की खूब रोई सुद आई आई। 15 दिन हो गए जाने कहां गए, पेट में बबू को ठहरो। खूब रोई सुद आई आई सुद आई आई कंठ की खूब रोई सुद आई आई। पंद्रह दिन से मुझे खबर न मिली है।
खबर ना मिली है, का बिलम ये सजन मेरे निरमोई सुने आई आई। पिया की खूब रोई सुन आई आई। ओ अभिलाखन पतो लगाइए मेरे आधार को हमसे मिलाइए। आधार बिन उषा को नाय कोई सुन आई। सुन आई है पिया की खूब रोई सुन आई। क्या करूं 15 दिन हो गए कहूं सुराग भी नहीं लग रहा। खेलन शिकार गए मेरे सैया, खेलन शिकार गए मेरे सैया। अरे कांपे बिलमिया निरमोई सुन आई आई। सुन आई आई बलम की खूब रोई सुन आई आई। दुखिया पे मांगिए पानी कहाँ करूँ मैं बताइए जिठानी। मेरे छोटे छोटे बेटन को नाय कोई सुन आई आई। सुन आई आई पिया की खूब रोई सुन आई आई। धरती मैया तूने फट जाइए, धरती मैया तूने फट जाइए। ओ अभिलाखन के पतो तू लगाइए, अरे कहाँ मैं भूलिया निरमोई सुन आई। सुन आई आई पिया की खूब रोई सुन आई। सारे घर में कोहराम मचा है। सत्यजीत बिल्कुल जान चुका है कि मेरे भैया का कत्ल और किसी ने नहीं किया भगवान के अलावा। लेकिन दोस्तों एक बात और बताएं आपको, बड़े आदमी की बात न खाएं बने न गायें बने न मोबाएं बने। बड़े आदमी के घर में कितने कुकर्म होते रहे, पड़ोसी ओठ नहीं खोलिया क्योंकि बगो जूता मजबूत है। और छोटे के घर में नेक कछु बुरो काम हो जाए जे बड़े जियन नहीं देते। सत्रह जी सोचने लगा वो कन्हैया राजा है, उनने अबे भैया ही मारो बे हमें मार सकते हैं। सो जब दिल की वेदना बने दिल ही में राखी। हमारी समझ में रात के 10 बजे हुए, सत्रह जी चारपाई पे लेटो और सत्यजीत की दुल्हन पैर दबाए। और एक बात और बताएं भैया, शाम को जब औरत पाए दावे तो कछु न कछु बातें जरूर करे। जब शाम को औरत पैर दाबेगी तो कछु न कछु बातें जरूर करे। तो अब पैर दाबत जाए और बातें करते जाए। पिया जब तो हम खूब जानते कि भैया के मरवे को सदमा दुनिया में सबते बुरो हुए,
भाई तो बुई सह सकत जको पत्थर को कलेजो, औरतियो मिल जाए, दौलतियो मिल जाए, परिवारियो मिल जाए, लेकिन मैया को जाओ भैया ना मिलत। और तो घर को भार और देवर के घर को भार सब तुम्हारे ऊपर है, कछ लोग आचार करो। तुम्हारो शरीर देख देख के हमारो और सब चोला सू किया। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, भैया मर गया मुझे इसका दुख नहीं है, मेरे दुख को भेद गहरो है। हाँ, जो बाने कही कि दुख को भेद गहरो, सो औरत पैर दबाती एकदम हाथ हटा लिए और ऐसे बैठ गई, दुपट्टा गाल सुन लगाए। हाँ, ऐसी कौन बात है जो हमें नहीं बताता? तुम्हारी मोगाई जब देखती तब हमारे पेट में घूसा से लगाता है, जब हम आई आई आती तब तुम्हारो इतना सुंदर शरीर हतो के चल तुम आंगन दसकत। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, बताने को तो हम बता दें, लेकिन एक चक्कर है। क्या? सत्राजित बोला, औरत को यार भेद बताना ठीक नहीं, आधार तो अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। एक बात और बता दें दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम औरत को गले का हार ना समझो, समझो, लेकिन एक बात मेरी दिमाग में रखना, औरत के अंदर एक सबसे बड़ा दोष है, वो कौन? औरत कितनी ही विदुषी हो, ये लक्षण इन परवाता है, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। एक बात दिमाग में रखना कि औरत के पेट में बात नहीं रुकती। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, अगर हमने तुम्हें मन की बात बता दी तो भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, तुमने कहीं ओठ खोल दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा। अब जो औरत बोली, एक बात बता, जा दिन तो हम गोन हो के आओ, हमने तुम्हारी बात कहूँ का ही? हाँ, तुम तो बात की कहा तो हम तो खा के आदमी में पचे जे, लेकिन आज पतो लगो कि जब मद को मूड़ काट बे थका दें जीव पहुनाई हो। अरे जग पिछेला हमने छः छः साल परी मैया नाई देखी। रोने लगी। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, रो रो के मेरे दिल को न दुखाओ, अगर तुमने कहीं ओठ खोल दिए तो भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। अब औरत बोली, बस हमसे बात मत कर, अब जो आज पेट फटिया हो, जो पेट एक कबहू ना होए, अपन ललियो ललन देखियो, हम तो फांसी दे के मरे। सत्राजित कहने लगा, अब तो तुम मेरे दिल को बहुत दुखा रही। औरत कहने लगी, चुप रहो, मैं मर्दों की हरकत को अच्छी तरह जानती हूं, सारे ग्रंथ औरत को अर्धांगनी बताते हैं, लेकिन मर्द इतना बेईमान है कि औरत को आधे अधिकार भी नहीं देता, अपने को शेर समझता है औरत को शेरनी, अपने को बहादुर समझता है औरत को गमारनी। लेकिन मैं एक बात तो बताऊंगी पिया। क्या? ए हमने माना, हम में कितनी पढ़ी लिखी गुणबान नहीं, आधार जा खूब समझ ली, जो सब उंगली एक समान नहीं। आधार जा खूब समझ ली, जो सब उंगली एक समान नहीं। सब उंगली एक समान नहीं होती, मुझे मन की बात बता दो। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, अगर तुम नहीं मानती हो तो हम बता तो देंगे, लेकिन
जब बात सुन के तुम्हारे दिल को सबर न हो तो कोने में मुंह छुपा के रो लेना। मेरी प्राण प्यारी मेरी रानी, जब बात ओठों से बाहर मत निकालना। न भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। तुम्हें मेरी लाज की कसम हो, जब बात किसी से मत कहना। औरत कहने लगी बता। सत्राजित कहने लगा उस मणि को लेकर एक दिन मैं यादवों की सभा में गया। यादवों की निगाह उस पर गलत हो गई, भगवान श्याम की भी निगाह गलत हो गई, और जब हमें फेरे फिर हमसे मणि मांगी।